खरगोन के समीप ग्राम प्रेमनगर में हो रही एक शादी न केवल परिवार बल्कि समूचे गांव के लोगों के उत्साह का कारण बनी हुई है। यहां दो परिवारों द्वारा अपनी संतान की तरह पाले गए बछड़ा बछड़ी की शादी कराई जा रही है, जो केवल औपचारिकता भर नहीं दोनों परिवारों में हल्दी, गणेश पूजा, मंडप के साथ ही लग्न की परंपरा निभाई जा रही है, जो अपने आप में अनोखा और यादगार आयोजन बनने जा रहा है। प्रेमनगर के मुकेश दीवाने ने बताया वो मजदूरी करते हैं, परिवार में गायें भी हैं। उन्होंने एक केड़ी जिसका नाम लक्ष्मी रखा है बेटी की तरह पाल रहे हैं। इस केड़ी की शादी गाँव में ही एक पेंशनर महिला के केड़े नारायण से हो रहा है। पेंशनर महिला ने बताया वो विधवा होकर पति के पेंशन से भरण पोषण करती है। बेटी का विवाह हो चुका है, केड़े नारायण को ही बेटा माना, उसकी शादी बेटे की तरह करने के लिए सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। बारात के लिए डीजे ढोल ताशों को भी बुलाया गया, रिश्तेदारों की पंक्ति की गई। मंगलवार को मंडप में पैरावनी के साथ ही नाच गाना मंगल गीत गाए गए, बुधवार को लग्न कराए जाएंगे। दोनों परिवारों के मुताबिक शादी में 2-2 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। सनातन धर्म के हिसाब से मेरा तो कोई लड़का है ही नहीं है, मैं विधवा भाई हूँ। मेरे को 600 रुपये पेंशन मिलती है, 6000 पेंशन मिलती है, तो मैंने भी सोचा कि सब दुनिया अपने अपने बेटों की बेटी की शादी तो करते हैं, पर ये मैंने उसको बेटे जैसा पाला है तो मैं इसकी शादी करूँ। तो बस मेरे मन में एक मन की इच्छा थी, बस इसके ऊपर मेरी कोई इच्छा नहीं, क्योंकि यह सनातन धर्म और कहीं आगे बढ़ जाए तो इसका भी अच्छा हो जाएगा। निर्माण में पहली बार हो रहा है, और ये मतलब निर्माण में होया है, उसके कहीं अभी तक नहीं होया। इसमें परिवार के साथ गांव भी शामिल हुआ, कितने लोगों का अपने कैसे क्या आयोजन रखा? गांव का आयोजन रखा है 1000 पब्लिक का। क्या पत्रिका भी बांटी आपने? पत्रिका बांटी, हल्दी लगाई, गणेश पूजन करा, उसको मंडप करा, मंडप प्रतिष्ठा करी, पंडित जी को बुलाया, उन्होंने सब करा, बारात वगैरह भी। कल बारात जाएंगे उनके डीजे गीजे के साथ। हाँ भोलू भाई, इनके इसके लिए लड़की कहाँ देखी आप? लड़की हमने देखी है इधर लक्ष्मी नारायण। अच्छा। हाँ, उसका नाम नारायण है और लड़की का नाम लक्ष्मी। क्या बातचीत हुई थी? क्या बातचीत हो गई थी? कर ली थी हमने। मंगनी तय करने कितने टाइम हो गया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। हम गौ माता की रक्षा करते हैं और सेवा करते हैं, और गौ माता को हमने रखी है तो हमारी छोरी की तरह रखी है, और उस हिसाब से हम मतलब शादी कर रहे हैं। क्या रीति रिवाज से कर रहे हैं? नहीं, कोई रीति रिवाज नहीं, हमारी खुशी से कर रहे हैं कि हमने उनको हमारे बच्चे की जैसे रखी है। आपके हाँ, जैसे अपने बच्चे की शादी करते हैं ना, जैसे कि पूरे रीति रिवाज से कर रहे हैं। क्या क्या आयोजन रखा है अपने शादी में? हमारे सभी आयोजन रखा है जो होता है, जैसे अपनी छोरी की शादी में अपन करते हैं ना, वैसा सब हुआ है। दहेज वगैरह, जैसे गणेश पूजा भी, बारात भी आएगी उसमें। और क्या नाम है आपका? मुकेश दीवाने। का स्वागत है, और जितने भी मेहमान आएंगे सबका स्वागत है, और हमने मतलब सभी रीति रिवाज करे हैं, जैसे अपने छोरी की शादी में करते हैं वैसे सभी रीति रिवाज करे हैं। बारात भी आएगी है उसमें। क्या नाम है आपका? मुकेश दीवाने। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।